तो नेक्स्ट हम करेंगे हमारा रेसिप्रोकल लैटिस में ही टू टॉपिक्स बचते थे। फर्स्ट है हमारा हेक्सागोनल के लिए, हम रेसिप्रोकल में अगर हम देखेंगे हेक्सागोनल को अगर रेसिप्रोकल में देखेंगे तो वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम HCP के लिए बनाएंगे रेसिप्रोकल लैटिस। तो उसके लिए हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है, ये यूनिट सेल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको XX, अब क्या किया हमने, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। ये मैं क्या ले रही हूँ, HCP का सिर्फ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले रही हूँ। तो ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस मान ली। अब मैंने क्या करना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोनल में एटम्स, यहाँ पे भी एटम होगा और ईच कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईच कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। तो अब मुझे इस वाले एटम से नियरेस्ट जाना है, तो हेक्सागोनल में हम नियरेस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ए डिस्टेंस। तो मैं यहाँ जा सकती हूँ या फिर यहाँ जा सकती हूँ। ठीक है, तो इस वाले को मैंने ए वेक्टर मान लिया, इस वाले को बी वेक्टर मान लिया। अब अगर हमने रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड करना है तो मुझे ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो अब देखो ए और ए की वैल्यू क्या है, ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब क्यों क्यों बना रहा है ये 60 डिग्री एंगल, क्योंकि अगर हम बात करें एक हेक्सागोन की, मैं उसके इनसाइड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकती हूँ, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकती हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं तीनों वो भी 60-60 होते हैं। तो ये वाली एक ट्रायंगल ही है ये यहाँ पे, तो अगर इसके एंगल्स सभी क्या होंगे 60-60 होंगे, इस वाली के भी क्या होंगे सभी एंगल्स 60-60 होंगे। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए वेक्टर की एंड बी वेक्टर की। अब मैंने मान लिया इसकी साइड को ए, अगर इसकी एक साइड ए है तो सभी ए ए हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और सभी साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी ए ए हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, अब ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कि एक्स के लॉन्ग कितना है और वाई के लॉन्ग कितना है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर देखूं यहाँ पे इस वाले का, सॉरी पहले हम ए वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे ए वेक्टर, इसको माना है। तो ए वेक्टर अगर आप देखो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ए वेक्टर का एक्स के ऊपर कंपोनेंट कितना होगा, कॉस 60 डिग्री, और इसकी लेंथ कितनी है ए, और साथ में क्या आ जाएगा आई कैप। ए वेक्टर का एक्स के ऊपर कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए है और साथ में एक्स डिडक्शन में है तो आई कैप। अगर इस वाले का अब वाई पे कंपोनेंट देखना है, ये वाई क्या है नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ, इसके अगर ऊपर कंपोनेंट देखेंगे तो ये है क्या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, अगर ये कॉस 60 है तो ये हो जाएगा साइन 60, और इसकी लेंथ कितनी है ए है और साथ में क्या आ जाएगा जे क्या। ठीक है, तो ए वेक्टर का एक्स के ऊपर कंपोनेंट ये आ गया, वाई के ऊपर कंपोनेंट ये आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या आ गया, कॉस 60 डिग्री हमारे पास होता है रूट 1/2 आई कैप, सॉरी 1/2 होता है कॉस 60 माइनस ए साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 जे कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिमिलर वे से बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, अब हमें ये देखना है। तो बी वेक्टर का हमें एक्स पे कंपोनेंट देखना है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, इसकी लेंथ कितनी है ए है, ए कॉस 60 डिग्री किसके लॉन्ग है आई कैप, प्लस
अब इसका कंपोनेंट अब वाई एक्सिस है, अब यहाँ पे प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, अगर ये वाला कंपोनेंट एक्स पे कॉस है तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। तो अब कॉस 60 1/2 आई कैप प्लस साइन 60 √3/2 जे कैप। तो हमारे पास ए एंड बी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए ए स्टार, अब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशन की, तो अगर टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ए बी तो गिवन है, बट यहाँ पे सी वेक्टर हमें नहीं पता। तो अगर सी वेक्टर हमें नहीं पता तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सी को सी के कैप, अब कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, इन जेड डायरेक्शन। तो हमने ये वाला लेट कर लिया, क्योंकि हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स तो ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ए स्टार क्या हो जाएगा, 2π बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमें अगर ए की वैल्यू चाहिए तो बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप पहले हम बी देखते हैं, बी की वैल्यूज क्या है, ए बाई टू जे कैप की डायरेक्शन में √3 ए बाई टू, के में है नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सी, सी अगर देखोगे सिर्फ के डायरेक्शन में है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आई कैप, आई कैप का अगर देखेंगे तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ए सी बाई टू, माइनस ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम जे को देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस जे, इसको इसके साथ करेंगे तो ए सी बाई टू, इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर के को देखेंगे हम, प्लस के कैप, तो अगर देखोगे इसको इसके साथ, ये इन दोनों को करना है, इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो, इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो, तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ आई एंड जे वाली टर्म आएंगी। अब बी क्रॉस सी निकल गया है, अब हमें फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यहाँ पे, अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए बाई टू, कॉमन ले लिया तो आई कैप माइनस √3 जे कैप। यहाँ से अब बी क्रॉस सी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हम ए सी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ए सी कॉमन लेते हैं बाई टू, तो बचा क्या, √3 आई कैप माइनस यहाँ से जे कैप बच जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी बाई फोर, आई डॉट आई करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा जे डॉट जे 1 प्लस √3, ठीक है, यही बन जाएगा। तो ए स्क्वायर सी बाई फोर, ये 2√3, तो ये कैंसिल होके ए स्क्वायर सी √3 बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया है, ए स्क्वायर सी √3 बाई 2। अब हम फाइंड करते हैं ए स्टार की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π, बी की वैल्यू ये है, यहाँ से मैं ए बाई 2 कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम की वैल्यू ये है, 2 से 2 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, यहाँ से बी की वैल्यू हमारी ये नहीं, ये थी, मैंने ये वाली बी की वैल्यू पुट कर दी, 2π
बी क्रॉस सी की वैल्यू ये है, तो यहाँ